الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من الواجب الاحترام काबिलियत एहतराम भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों सामईन और सामियात, ये सूरा मरियम है, सोलहवें पारे की ये सूरत है जो छः रुकू 98 आयात और 780 कलिमात पर मुश्तमिल है। मजीद ये कि इसके अंदर 3900 हरूफ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के फरमान के मुताबिक जो आदमी कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है उसे 10 नेकियां मिलती हैं। तो अगर कोई आदमी इस सूरत को पढ़ेगा तो उसे 39,000 नेकियां अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रवायत है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जब उन्हें जन्नत के अंदर दाखला मिल जाएगा तो वो जन्नत के अंदर मजे लेकर सूरह यूसुफ और सूरह मरियम की तिलावत फरमाएंगे। मेरे भाइयों, जब मुसलमान दीन पर अमल करने लगे और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल पैरा होना शुरू कर दिया तो कुफार मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने मजाक करना शुरू कर दिया और कहना क्या शुरू कर दिया कि तुम तो गरीब लोग हो और यतीम शख्स की पैरवी करने वाले हो, मजाक करते। जब ये बातें मुसलमानों के रास्ते में रुकावट ना बन सकी और उनके पाया इस्तकलाल के अंदर लर्जश पैदा ना हुई तो उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद का दरवाजा खोल दिया, उनके खाने को बंद किया, उन पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ डालने शुरू कर दिए। हजरत बिलाल हबशी भी उनमें शामिल थे, हजरत हब्बाब भी शामिल थे। उन्हें तरह तरह की मुसीबतों के अंदर मुबतला किया जाता, कभी प्यास के अंदर मुबतला किया जाता, कभी भूख के अंदर उन्हें मुबतला किया जाता, कभी उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते, कभी कभी तपती हुई सहरा पे उन्हें लिटा दिया जाता। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिन्हें तपती सहरा में लिटा दिया गया और उनके सीने पर बारी चट्टान को रखा गया और कहा जाता था कि कहो कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़ दिया, आपके परचम को मैंने पसे पुश फेंक दिया, लेकिन आप
इस्तकामत का पहाड़ बने रहे और ये कहते थे अहद 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 अल्लाह एक है अल्लाह एक है। किसी ने कहा बिलाल, बल्कि आपका दुश्मन उमैया इब्न खलफ जब आप पे जुल्म व तशद्दुद कर रहा था तो आप कहते थे अहद अल्लाहु अहद अल्लाह एक है, तो वो कहते वो उस खुदा को बुलाओ, उस खुदा को बुलाओ जो जो अकेला है, जो वहदहू ला शरीक है, वो तुम्हारी मदद नहीं करता। तो बिलाल कहते कि ऐ दुश्मन इस्लाम, तू बाजार में जाता है, मट्टी का बर्तन खरीदता है और मट्टी का बर्तन खरीदने से पहले चारों तरफ से उस मट्टी के बर्तन को परखता है, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं से उसे कोई मसला तो नहीं है, कहीं उसके अंदर कोई सुराख तो नहीं है, फिर उसके बाद तो खरीदता है। ऐ दुश्मन इस्लाम, मेरे रब ने, मेरे पालनहार ने मुझे इतनी बड़ी जन्नत देनी है, मुझे इतना बड़ा इनाम देना है, जन्नत की सूरत में मुझे इतना बड़ा मर्तबा और मकाम देना है, क्या वो देखेगा नहीं कि बिलाल मेरे रस्ते में कितना इस्तकामत वाला है। हजरत हब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु ये लोहार थे और आस बिन वाइल तो दुश्मन इस्लाम था। इनके लिए इस्लाम से कबल यानी हजरत हब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इस्लाम लाने से पहले आस बिन वाइल को एक तलवार बना के दी थी और उसकी उजरत बाकी थी, उसने उसके पैसे नहीं दिए थे। तो हजरत हब्बाब इस्लाम लाने के बाद उसके आस्ताने में पहुंचे और कहा कि मुझे मेरी उजरत दो, तो कहने लगा जब तक तू जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक मैं तुझे तेरी उजरत नहीं दूंगा। यानी हर कबीले वाला कोशिश करता कि जिस तरीके से भी हो जुल्म व तशद्दुद किया जाए। इमाम अल-अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा काबा शरीफ के साए में बैठे हुए थे, हजरत हब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास हाजिर हुए, कहा कि अल्लाह के रसूल जुल्म व तशद्दुद की इंतहा हो चुकी है, जुल्म व सितम की इंतहा हो चुकी है, इन लोगों ने तो हमारा कुछ नहीं छोड़ा, सुबह शाम जुल्म करते हैं, अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए हब्बाब गौर से सुनो, तुमसे पहले लोगों पर भी जुल्म व तशद्दुद होता रहा हत्ता कि उनके सरों को आरे से काट दिया गया, उनकी हड्डियों को उनकी हड्डियों पर लोहे की कंघियां फेरी गईं, लेकिन वो इस्तकामत के ऐसे पहाड़ बने रहे कि ये जुल्म व तशद्दुद उनके पाए इस्तकलाल के अंदर लज़्ज़त पैदा ना कर सका। अल्लाह अपना काम पूरा करेगा। और सुनो, यमन से एक आदमी चलेगा और हज़रे मौत तक चलेगा, अकेला चलेगा, अल्लाह के सिवा वो किसी से नहीं डरेगा, तुम जल्दबाज हो। जब जुल्म व तशद्दुद की इंतहा हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि तुम हबशा हिजरत कर जाओ और वो सरजमीन जो है वो पुरअमन है, वहां का बादशाह जो है वो पुरअमन है और उसकी हकूमत के अंदर तुम्हें इंसाफ मिलेगा। चुनाचे 11 लोग, 11 मर्द और 4 औरतें ये रखते सफर बांधते हैं हबशा की तरफ। और ये जब बहरे अहमर पर पहुंचते हैं उस बंदरगाह पर, तो वहां तिजारती 2 कश्तियां थी, उन पर बैठ के ये हबशा की तरफ निकल गए, छुप कर गए ताकि मुशरिकीन मक्का को पता ना चले कि हम कहां जा रहे हैं। जब वो हबशा पहुंच गए, यहां मुशरिकीन मक्का और दुश्मनान इस्लाम को पता चल गया कि ये लोग गए, इन्होंने बंदरगाह तक पीछा किया, लेकिन मुसलमान खैर वाफियत के साथ हबशा पहुंच चुके थे। उसके बाद ये चौकन्ना हो गए। बाद में कुछ और मुसलमान हिजरत की गरज से वहां से निकले, इन्होंने फिर पीछा किया, लेकिन ये मुसलमान खैर वाफियत के साथ
हबशा पहुंच गए और इनकी तादाद मर्दों की 83 थी और औरतों की 11 या 18 थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनीन के लिए, उनकी तसल्ली के लिए, उनके सफर में ज़ादे राह के तौर पर सूरह मरियम को नाजिल फरमाया और कहा कि वहां जाओगे, वहां ईसाइयों का मुल्क है, ऐसा ना हो कि तुम वहां जाकर उनकी तबलीग के अंदर आ जाओ, उनकी तालीमात पर अमल पैरा होना शुरू कर दो और तौहीद को भूल जाओ। वहां भी जाना है और लम यलिद वलम यूलद का परचम तुमने वहां लहराना है और खौफ नहीं करना, अल्लाह के सिवा किसी से डरना नहीं। जब ये लोग हबशा पहुंच गए, पीछे कोहराम मच गया, पीछे शोर मच गया, ओदम मच गया, लोग चीखो पुकार करने लगे, किसी की बहन चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया। तो ये दुश्मनान इस्लाम सर जोड़ कर बैठ गए कि अब क्या किया जाए, इस किस तरीके से उन लोगों को मक्का में हबशा से वापस लाया जाए। चुनाचे उन्होंने दो आदमियों को तैयार किया जो बड़े अकल वाले, बड़े जहीन थे और बड़े फहीम, उन्हें कहा उन्हें फहीम कहा जाता था। उनमें से अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया, ये भी मुसलमान नहीं हुए थे, इनको तैयार किया गया, तोहफे तहाइफ दिए गए। ये हबशा पहुंचे और वज़ारा से मुलाकात की, रुआसा से मुलाकात की, दरबारियों से मुलाकात की और दलीलें पेश की कि हम यहां क्यों आए हैं। जब उन्हें नजराने पेश किए गए तो उन्होंने वादा किया कि नजाशी के दरबार के अंदर जब तुम जाओगे तो हम तुम्हें पूरी बैकअप देंगे, जब तुम पूरी बात करोगे तो हम भी तुम्हारी जो है वो तायद करेंगे। चुनाचे ये लोग दूसरे दिन नजाशी के दरबार में पहुंचे और उस दरबार में जब पहुंचे तो नजाशी ने कहा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि हम मक्कतुल मुकर्रमा से आए हैं, वहां के रुआसा और बड़े बड़े सरदारों ने हमें वहां भेजा है और भेजने की वजह यह है कि ये लोग अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ के आए हैं और आपके दीन पर भी अमल पैरा होने वाले ये नहीं है, लिहाजा आप इन्हें वापस कर दीजिए। नजाशी ने सुना, इतनी देर में उनकी बात नहीं खत्म हुई थी, जिन दरबारियों ने वादा किया हुआ था वो बोल पड़े और कहा जी जी कि ये लोग आप इनको नहीं जानते, ये इनकी आदतों को वही लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप इन्हें वापस कर दीजिए। नजाशी ने कहा कि मैं वापस नहीं करूंगा, इसलिए कि उन्होंने एतमाद किया है मुझ पर और मेरी हकूमत के अंदर वो आए हैं, जब तक मैं उनका मैं मुद्दा नहीं सुनूंगा, उनकी मैं बात नहीं सुनूंगा, उस वक्त तक मैं किसी किस्म का फैसला नहीं कर सकता। चुनाचे नजाशी ने उन लोगों को बुला लिया, जाफर बिन अबी तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनको अमीर मुकर्रर कर दिया गया कि आपने गुफ्तगू करनी है दरबार में जाकर। बादशाह ने पूछा कि क्या बात है, आप अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ के यहां क्यों आए हो, ये लोग ये मसला लेके आए हैं। चुनाचे बड़ी जबरदस्त तकरीर की हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने और कहा कि नजाशी, हम वो लोग थे जो जुल्मत में जो है वो गिरे हुए थे, अंधेरे में भटके हुए थे, गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे, हम लोग गुनाह के सहारा में भटके हुए थे, अल्लाह ने हम में से एक ऐसे शख्स को पैदा किया कि जिसने हमें जुल्मत से निकाल कर रोशनी दिखाई, हमें हम भटके हुओं को सीधा रास्ता दिखाया, वो उसने हमें ये तालीम दी है कि हलाल कमाओ, हलाल खाओ, पड़ोसियों के हकूक को पूरा करो, शराब को छोड़ दो और दीगर अशिया को छोड़ दो, और इस वजह से हमने उसकी बात को माना है, ये लोग हमारे दुश्मन बन गए। जब ये बात की, इसका बड़ा असर हुआ। थोड़ी देर के बाद नजाशी कहने लगा, ठीक है, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें कोई कलाम याद है, तुम्हें कोई कलाम याद है कि तुम मेरे सामने से पढ़ सकते हो,
जो तुम्हारे नबी पर नाजिल हुआ। हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े दरबार में रुआसा, वुजारा, सरदार और दरबारियों की मौजूदगी में, नजाशी की मौजूदगी में सूरह मरियम का पहला रुकू पढ़ा। जैसे ही पढ़ते जाते नजाशी रोता जाता, जैसे ही पढ़ते जाते नजाशी की आंखों में आंसू आ गए, और जो ईसाई उलमा थे वो इतने रोए कि उनके सहीफे भीग गए। सुभान रब्बी अलअज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उसके बाद नजाशी ने कहा कि मैं इनको वापस भेजने वाला नहीं हूं, लिहाजा तुम वापस चले जाओ। फिर उसके बाद हजरत अमर बिन आस ने अब्दुल्ला बिन रबिया जो उनके दोस्त थे कहा कि मैं कल एक ऐसी बार दरबार में लेके आऊंगा कि नजाशी को इनको वापस भेजना पड़ेगा। वो दूसरे दिन आया और आकर कहने लगा कि आप इनके बारे में इनसे पूछें कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हैं। हम मुसलमान थोड़े से घबराए, लेकिन उन्होंने तय ये किया कि हम सच बोलेंगे। चुनाचे वो दरबार में गए, नजाशी ने सवाल किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक, तो उन्होंने कहा ये तो अल्लाह उसका रसूल, ये अल्लाह के बंदे उसके रसूल है और उसकी रूह और वो कलमा है जो अल्लाह ने मरियम की तरफ इल्का किया है। जैसे ही नजाशी ने यह सुना उसका दिल गवाही दे रहा था और दिल कह रहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने कहा कि मैं जो है वो इन्हें भेजूंगा नहीं। जब उसने ऐलान किया तो अहले हबशा जो है वो बगावत पर उतर आए और कहने लगे कि तूने अपना अकीदा तब्दील कर दिया है, अब जो है हम तेरी हुकूमत के अंदर नहीं रहेंगे। तो नजाशी ने कश्तियां तैयार करवाई इन मुहाजिरीन के लिए और कहा कि अगर मैं इन पर गालिब आ जाऊं तो तुम यही रहना, वरना तुम इन कश्तियों को लेके चले जाना जहां तुम चाहो, जहां तुम्हारा जी चाहे तुम मेरा मुल्क छोड़ देना। चुनाचे उसने एक कागज मंगवाया और कागज पे लिखा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और फिर आगे ये तहरीर लिखाई कि मैं गवाही देता हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है और उसके वो कलमा है जो अल्लाह ने अपनी बंदी मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इल्का किया था। और फिर बाद में उनके मुकाबले के लिए खड़ा हुआ तो बड़े बड़े उलमा से मुजाकरात हुए तो वो कामयाब हो गए। लिहाजा जो है वो अहले हबशा ने यही तय किया कि हम जो है वो नजाशी की हुकूमत के तहत रहेंगे। तो जब ये लोग वहां रहने लगे और जब हबशा से वापस आने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना जब पहुंचे तो इन लोगों ने रखते सफर बांधा कि अब हम मदीना वापिस जाएंगे। तो इसने हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला को कहा कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके कहना कि मैं आपको अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल मानता हूं और मेरी मगफिरत के लिए दुआ कीजिए। तो जब हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला मदीना पहुंचे तो वो फतह खैबर का दिन था, खुशी का दिन था और खैबर के फतह का दिन था। और ये लोग जब वापस पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर को सीने से लगाया और कहा कि ऐ जाफर, मैं नहीं जानता कि ये फतह खैबर की खुशी है या तुम्हारे आने की खुशी है। और हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजाशी का पैगाम दिया तो आपने फरमाया, आपने वुजू किया और वुजू करके बारगाहे इज़्ज़ती में हाथ उठाए और कहा कि अल्लाहुम्मग़फिर लिन्नजाशी, अल्लाहुम्मग़फिर लिन्नजाशी, ए अल्लाह नजाशी की मग़फिरत फरमा। तीन मर्तबा आपने ये कहा और जो है वो दुआ करने वाला इमामुल अंबिया और आमीन कहने वाले सहाबा थे। जब उनका इंतकाल हुआ नजाशी का तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजाशी का इंतकाल हो चुका है। फिर आप खड़े हुए और आपने गायबाना नमाज जनाजा नजाशी का अदा फरमाया। तो यहां सूरह काफ शुरू हो रही है। काफ
हा या आइन सौद, इन्हें हरूफ मुकत्तआत कहते हैं। हरूफ मुकत्तआत का मतलब यह है कि अलग अलग पढ़े जाने वाले हरफ, यानी काफ हा या आइन सौद अलग अलग पढ़े जाते हैं। इनके मानी और मफहूम के बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, इतना टाइम नहीं है कि उन पर जो है वो गुफ्तगू की जाए। बास कहते हैं ये सूरतों के नाम है, बास कहते हैं कि अल्लाह के नामों में से एक नाम है, बास कहते हैं कि ये जो है वो हरूफ हिजा है, और अल्लाहु आलम बिस्सवाब। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ये दुआ किया करते थे, या काफ हा या आइन साद इग्फिर ली, ए काफ हा या आइन साद मेरी मगफिरत फरमा। फरमाया कि ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके रब की रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया अलैहि वस्सलाम पर जो है वो फरमाई है। मेरे भाइयों, रहमत हर इंसान को मांगनी चाहिए। जब असाब काफ गार में गए तो उन्होंने क्या कहा था, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यिब लना मिन अमरिना रशदा, कि ए हमारे रब अपनी तरफ से हमें रहमत अता फरमा दीजिए और हमारे रास्ते में हमारे हमारे अमर को, हमारे काम को इस्तकामत नसीब फरमा दीजिए, मजबूती नसीब फरमा दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन गुजार कर कोहे तूर पर वापस आए और कौम को देखा कि वह शिर्क में मुबतला हो चुकी है, अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम पर गुस्से का इजहार किया और उनके बाल को पकड़ लिया और जनाब जो तख्तियां थी उन्हें जमीन पर फेंक दी। तो जब सूरत हाल वाजे हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, قال ربي اغفر لي ولي اخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين, ऐ हमारे रब क्या मेरी बख्शिश फरमा, मेरे भाई को माफ फरमा दीजिए और हम दोनों को, हमको अपनी रहमत में दाखिल फरमा दीजिए, और तू अरहमुर रहीमीन है। और हम सबको ये हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह से मायूसी ना करें, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, फरमाया कि ए गुनहगारो, ए गुनाहों की जुल्मत में फंसे हुओ और गुनाहों के दलदल में फंसे हुओ, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुमराह ही जो जलालत वाले होते हैं वही अल्लाह की रहमत से मायूस हुआ करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, वला तयसु मिन रूहिल्लाह इन्नहु ला ययसु मिन रूहिल्लाह इल्ला अल-क़ौमुल काफिरून, फरमाया कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, इसलिए कि काफिर ही अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें ये तवज्जो दिलाई गई कि रहमत मांगो अपने रब से। और जनाब ये इतनी टाइम नहीं है कि मैं हर चीज को बयान करूं, चलकियां पेश करके अपनी बात खत्म करता हूं कि ये कुरान भी रहमत, ये कुरान मोमिनीन के लिए शिफा है, रहमत है। वनु नज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा मा काना हदीसन युफ्तरा वलकिन तस्दीक़ल लज़ी बैना यदै व तफ़सील कुल शै व हुदा व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून, रमज़ानुल मुबारक भी मोमिनीन के लिए रहमत है, और सबसे बड़ी रहमत हम सब के लिए क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा नबी तो अरश वालों के लिए, फरश वालों के लिए, नबादात के लिए, जमादात के लिए, पत्थरों के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपनों के लिए, गैरों के लिए, सारी कायनात के लिए, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बन के आया। सुनिए सुनिए, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे
पत्थर रो रहा था। आपने फरमाया पत्थर रोते क्यों हो? कहता है मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ने फरमाया वकूदुहा अन्नासु वल हिजारा, कि जहन्नम में जो जहन्नम के ईंधन होंगे वो पत्थर होंगे या इंसान होंगे। अल्लाहु अकबर। तो मैं रो रहा हूं कि ऐसा ना हो कि उनमें से ही मैं एक पत्थर हूं कि जो जहन्नम का ईंधन बनने वाला हूं। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के दरबार में दुआ कर दीजिए। आपने दुआ की, जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और कहा कि इसे खुशखबरी दे दीजिए कि अल्लाह ने तुझे जहन्नम की आग से निजात अता फरमा दी। आप सफर पर चले गए, फिर आपका गुजर हुआ, वो फिर रो रहा, वो पत्थर अब क्यों रो रहे हो? कहने लगा अब पहले खौफ के आंसू थे, अब शुक्र के आंसू हैं। मैं शुक्र के लिए, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए आंसू बहा रहा हूं। तो ये कुरान भी रहमत, मेरा नबी भी रहमत, और जनाब अल्लाह की मगफिरत भी मोमिनीन के लिए रहमत है, और नेक सारे औलाद भी, लोगों ये भी रहमत है। नेक लोगों की सिफात को अल्लाह बयान करके आखिर में फरमाते हैं कि ये नेक लोग अल्लाह के दरबार में हाथ उठा कर कहते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन व जअलना लिलमुत्तकीन इमामा। ए अल्लाह, इन हमारी ज़ुर्रियत को ऐसी ज़ुर्रियत नसीब फरमा और ऐसी हमें बीवियां अता फरमा जो हमारी आंखों की ठंडक हो और हमें परहेज़गार लोगों का पेशवा बना दे। तो फरमाया कि ज़िक्रु रहमती रब्बी का अब्दहु ज़करिया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये आपके रब की रहमत का जिक्र है कि जो उसने अपने बंदे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फरमाई थी। और वो नेमत क्या थी, वो रहमत क्या थी, कब नाजिल हुई और उसकी कैफियत क्या थी, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली नशिस्त में। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।